मराठी फिल्मों की एक्ट्रेस तेजस्विनी पंडित ने एक इंटरव्यू के दौरान ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। तेजस्वी ने कहा कि जब वो पुणे में रहती थी तो उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ था। उन्होंने बताया कि वो जिस घर में रहती थी वहाँ के मकान मालिक ने उनके साथ काफी खराब बर्ताव किया था। अपार्टमेंट का मालिक एक कॉर्पोरेटर था जिसने किराए के बदले सेक्सुअल फेवर की बात की थी। ये मामला साल 2009 और 10 का है। तेजस्वी ने उस वक्त पुणे में सियागढ़ रोड पर किराए के अपार्टमेंट में रहती थी और स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। तेजस्वी के सिर्फ एक दो फिल्में ही रिलीज हुई थी। एक्ट्रेस तेजस्विनी पंडित ने कहा कि वो काफी मुश्किल वक्त था। उन्होंने आगे कहा, जब मैं किराया देने उनके ऑफिस गई तो उसने सीधे तौर पर मुझे ऑफर दे दिया, मुझसे किराए के बदले सेक्सुअल फेवर मांगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने वहाँ टेबल पर रखा पानी से भरा ग्लास उसके मुंह पर फेंक मारा था। मैंने उससे कहा, ये सब चीजें करने के लिए मैं इस प्रोफेशन में नहीं आई हूँ, वरना मैं इस अपार्टमेंट में नहीं रहती। तेजस्वी ने बताया कि मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं उस वक्त आर्थिक रूप से कमजोर थी। इसके अलावा मेरे प्रोफेशन की वजह से उसने मुझे जज किया। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। तेजस्विनी के इस खुलासे के बाद फैंस उनकी हिम्मत और हौसले की दाद दे रहे हैं। फैंस उन्हें इसी तरह स्ट्रांग बने रहने की सलाह दे रहे हैं।